हेलो, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 7:30। ओ वाह, चलो चलिए शूट पे। अरे हेड वॉश नहीं किया, मैं क्या फिर इन्होंने टाउन करने, फिर खराब होने, चंगा इस तरह ही रहने दो, जुड़ा ही करना। इतनी बुरी हालत है नींद से, और पैरों में दर्द हो रहा है बड़ी बुरी तरह। मुझे तो जिम ना में इसका लेकिन अब लग रहा है कि बहुत ज़्यादा थकान हो गया, सेट भी इतनी गर्मी है। थैंक यू सो मच पी एफ बटन्स एंड बोज, इनका पेज है, ये हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं और इतनी प्रिटी है ना, मतलब वीडियो जस्टिस नहीं कर रही इन जुत्तीस के, स्पेशली ये वाली तो बड़ी खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। और ये ज्वेलरी आई है बेंडर फ्रेंड्स करके है, ये मुझे पहले भी ज्वेलरी भेजती थी इनके, सिल्वर पे वैसे होता है ना, एलॉय समथिंग उसकी ज्वेलरी होती है, बड़ी सुंदर है। थैंक यू सो मच। दरबार लाल जी क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था लड़की जरूर है लेकिन उसके बिना दिल नहीं लग रहा। ये मम्मा की बात हो रही है, मम्मा के बिना दिल नहीं लग रहा घर पे। लड़की भी जरूर है, लड़की भी मम्मी है। रौनक बहुत है उसकी। चलो बुढ़ापे में ही सही, दरबार लाल जी ने इजहार तो किया रौनक है। उसके मुंह में नहीं करता ना, पीछे से कर लेता हूँ। करेगा फिर बोले अच्छा। डांस हो गया, मिजराब सो गई, और सेट पे सबसे अच्छी बात है कि सारी कास्ट बहुत अच्छी है। जो अभी डांस चल रहा है ना शादी वादी वाला, क्योंकि टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली दिखाई है, सो उसमें क्या फ़न होता है, क्या मस्ती करते हैं, कैसे करते हैं, हर एक चीज़ कैसे इंजॉय करते हैं, वो सब दिखाया हुआ है। और टचवुड विच इज़ वेरी नाइस, सूरज जी, शिफाली जी, चेतना, सिद्धि की मम्मी, जो मेरे छोटे बच्चे बने हैं, जो छोटी बेटी बनी है वो एनिमल मूवी में रणबीर कपूर की बेटी बनी है, हरनूर गुरनूर उसको बोलते हैं, रिशान, मतलब एवरीबडी, कोई भूल तो नहीं। हाँ, श्वेता जी, रोमा, अरशद अली जो प्रोडक्शन के हैं, मतलब सब बहुत अच्छे हैं। टचवुड थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाती है वो प्रोडक्शन में लेके, बट प्रोडक्शन पीपल आर नाइस, जो सेट पे होते हैं वो थोड़ा कर जाते हैं, विच इज़ ओके, बट टचवुड आई एम ब्लेस्ड कि मैं काम कर रही हूँ और लोग अच्छे मिले हैं। रजत, बानी, नूर, सब बड़े अच्छे हैं, मज़ा आता है। सो हमारे डायरेक्टर सर और जो एडीज़ हैं, मुझे उनके नाम भूल जाते हैं, मतलब सब अच्छे हैं, सब ख्याल रखते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार सब पॉजिटिव से लोग हैं, कोई नेगेटिव वाला वैसा नहीं है, अगर होगा भी तो उनसे हमारा भी पाला नहीं पड़ा और हमें चाहिए भी नहीं है। सो यस, इतनी देर बाद काम करना है, मज़ा बड़ा आ रहा है, तो टायरिंग हो जाता है थोड़ा, क्योंकि बॉडी वैसी नहीं रही है, आपको लालच होता है कि सुबह जिम भी कर लो, काम भी कर लो, क्योंकि स्क्रीन पर भी दिखना है तो फिट भी होना चाहिए वैसा। एंड मुझे बड़े मैसेजेस आए स्पेशली मम्मीज़ के लिए कि आपसे इंस्पायर हो के हमने जिम करना शुरू किया, मुझे बड़ी खुशी होती है जब ऐसे मैसेजेस आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट कुछ तो मैं अच्छा कर रही हूँ। टचवुड,
और यही मेरा मोटिवेशन है कि मुझे ऐसे लगता कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। 2 C-section हुए मेरे एंड मुझे शुरू से ही बड़ा होता है कि मैं फिट रहूँ। और अभी मेरा टारगेट है मेरी एब्स है विदाउट स्टीरॉयड एंड नथिंग, क्योंकि मैं प्रोटीन भी प्रॉपरली नहीं पीती हूँ। खाने में वेजिटेरियन हूँ तो मेरा इनटेक वैसे है, बट यस मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ। और मेरा यही मोटिव है कि कुछ नहीं लेना मुझे। जनरली सब बोलते कि एब्स वैब्स ऐसे नहीं आते, बट मुझे मेरा मेन टारगेट, क्योंकि अभी भी टमी है मेरा विच विल टेक टाइम, बट मैंने कहा जितना मर्जी टाइम लगे मैं पूरी डेडिकेशन के साथ करके दिखाऊंगी। देन आई विल शो यू गाइस कि हाउ इज़ इट एंड हाउ इट इज़ गोइंग। बट यस मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि अपना ख्याल रखो, डाइट फॉलो करो, क्योंकि जिम के रिजल्ट उतने नहीं होते जितने डाइट के आते हैं। सो वो अच्छी चीज़ है। एंड टच वुड रितु बिंदु सो गया है, यूवी सिंह जी स्टूडियो गए हैं, और थक गई हूँ। 1 बज रहा है अभी, क्योंकि 1:30 हो रहे हैं। और मुझे क्या था, जो लहंगा पहना होता मैं डेली आके वॉश करती हूँ, बिकॉज आई डोंट नो, मेरे को थोड़ा साइकोलॉजिकली ऐसा होता सब जगह टच होता है, क्या होता है क्या नहीं। सो मुझे वो रहता कि वॉश हो जाए, तो वो वॉश होने में थोड़ा टाइम लगना था, और बीच में मेरे को दिमाग में ये चला उठ नहीं पाई तो सुबह लेट हो जाएगा। सो 6:30 मुझे जिम जाना है। सो यही है मेरा आज का व्लॉग, एंड आई एम सो हैप्पी कि जो मैं सोचती हूँ दिमाग में वो चीज़ें हो रही हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बाबा जी, जय माँ लक्ष्मी, नाम्य हरेंगे क्यों, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सो सब अच्छा है, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, हमारे सेट पे लोग बेहोश होते हैं। सो आप लोग भी ख्याल रखो, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरे चैनल पे लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता, क्योंकि मेरा चैनल बहुत ही, मतलब लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कईयों के कि कैसे हैं कैसे, मुझे ऐसा लगता है जो मैं घर पर हूँ जैसी हूँ मुझे वही दिखाना है। मुझे घर पे लीपा पोती करके नहीं दिखानी कि मैं ऐसे रहती हूँ, मुझे घर पे कोई ढंग के वैसे कपड़े नहीं, क्योंकि जो मैं हूँ जैसे पहनती हूँ जैसे रहते हैं हम लोग मैं वही दिखा रही हूँ। मुझे वैसे ही आप लोगों को दिखाना कि मेरी लाइफ है। अब जैसे मेरे चेहरे पे ब्रूज हैं, मैंने जो ट्रीटमेंट कराया था मुझे वैसे ही दिखाना है, क्योंकि मेकअप से ये सब छुप जाता है और विद टाइम में ठीक हो जाएगा, बट यही है। सो मुझे ये चीज़ दिखानी है। और कुछ लोग जब मुझे मैसेज करते हैं कि ये चीज़ उनको अच्छी लगती, तो आई फील हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड दैट यू गाइज आर लाइकिंग माई चैनल। सो यस थोड़ी चीज़ों में टेक्निकल इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, लाइक वॉइस का। जैसे अभी भी मैंने माइक नहीं लगाया, बिकॉज आई वॉज लाइक लेजी, कौन जाए दूसरे कमरे। मैंने अभी चार्ज पर लगाए थे और 2 सेट है स्टिल आलस, बट आई एम सॉरी, आई होप इसमें आवाज़ आ रही हो। और यही है टेक्निकल इश्यूज, बट यस आई वॉन्ट टू शो यू गाइज वॉट आई एम इन रियलिटी, वॉट हाउ डू वी लिव एंड हाउ इज़ आवर फैमिली। सब कुछ जो है वही सामने है। कुछ लोग कहते हैं लाइफ को प्राइवेट रखना चाहिए, ये रखना चाहिए, बट ऐसा कुछ है ही नहीं है। और मुझे लगता है जो कुछ है वैसा ही सबकी लाइफ में भी होता है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है। सबकी लाइफ में प्यार है, सबकी लाइफ में झगड़े है, सबकी लाइफ में स्ट्रेस है, सबकी लाइफ में काम है, सबकी लाइफ में सब कुछ है। इट जस्ट दैट किसकी लाइफ में आगे पीछे ऊपर नीचे सब ऐसा है। सो वही है। सो धन्यवाद, बहुत हो गया ज्ञान। शब बखैर, शुभ रात्रि।